सिर्फ नौसिखिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन खरीदे गए स्टॉक से मिलने वाले रिटर्न शायद म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ज्यादा हो सकते हैं, तो प्लीज इसको ईगो में मत लीजिएगा कि जिसको कुछ नहीं पता वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या करना सही, म्यूचुअल फंड में SIP करें या सीधा सीधा स्टॉक में SIP करें, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस भी हैं। बट किसी न किसी निष्कर्ष पर हमें पहुंचना ही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें कुछ जान लेना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की SIP के बारे में समझते हैं। इसमें इन्वेस्टर एक फिक्स अमाउंट को हर मंथ अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात आती है स्टॉक SIP की, तो इसमें भी इन्वेस्टर हर महीने बिना किसी फिक्स डेट के पूरे महीने में कभी भी एक अमाउंट के स्टॉक को खरीदते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं। इन खरीदे गए स्टॉक से मिलने वाले रिटर्न शायद म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है कि आपने किस तरीके के स्टॉक्स चुने हैं और क्या वो स्टॉक्स अब चलने के लिए तैयार है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्सपर्ट डिसीजन की वजह से आपके चुने हुए स्टॉक्स रिटर्न जनरेट ही ना कर पाए क्योंकि आप इन सब चीजों को खुद मैनेज करोगे। वहीं पर म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि आपके पैसे को म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपके फंड को मैनेज करते हैं और उनका तो काम ही यही है, उनकी नौकरी यही है, पूरे दिन भर उन्होंने यही करना है, इसी के बारे में पढ़ना है, यही सीखते रहना है और इन्हीं वजह से वो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो वहां पर कंपैरेटिवली रिस्क कम हो जाता है। अब कुछ इन्वेस्टर्स के मन में कंफ्यूजन हो गई होगी कि मेरे को स्टॉक सिलेक्शन शायद आता है, अब मैं करूं कि नहीं करूं या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या करना सही है, देखिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आज तक कभी मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्टर नहीं किया है, तो आपको जरूरत है एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट की जो आपके पैसे को वेल डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्ट करे। तो ऐसे में आपको स्टॉक SIP के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए और आपको चुपचाप से म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको नॉलेज है मार्केट की और आप उसकी फाइन बारीकियों को समझते हैं और उससे भी बड़ी बात अगर आपके पास टाइम है सब कुछ मैनेज करने का, तब जाकर आप स्टॉक SIP के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप में से कोई भी ये मत सोचना कि सिर्फ नौसिखिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो म्यूचुअल फंड को छोड़ के स्टॉक में SIP करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जिनको मार्केट की समझ है ना, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू क्योंकि उनको अपना समय बचाना है या फिर कई लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो स्टॉक SIP को देखे, मेंटेन करें, उनको कंसिस्टेंटली मॉनिटर कर पाए। तो प्लीज इसको ईगो में मत लीजिएगा कि जिसको कुछ नहीं पता वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और एक्सपर्ट लोग स्टॉक में SIP करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर ना सिर्फ नॉलेज होने या ना होने की बात नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाता है इन्वेस्टमेंट करने का, और जब आपकी म्यूचुअल फंड की SIP की डेट आती है तो इसमें आप परेशान नहीं होते कि मार्केट आज ऊपर है या नीचे, किस प्राइस पे मुझे खरीदना चाहिए, किस प्राइस पे मुझे मिलेगा, वो फिक्स है। जिस दिन आपके पैसे कटेंगे AMC में पहुंचेंगे उस रात को जो उस म्यूचुअल फंड के NAV की जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू पर आपको NAV मिल जाएगी, और इसी चीज के कारण आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी उठा लेते हैं जो कि आपको भी कहीं ना कहीं पता होता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का पर्सनली जो मुझे बेनिफिट लगता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन, इसका बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से इसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से रिस्क भी कम हो जाता है। और म्यूचुअल फंड हाउस को जैसे ही कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो पुराने स्टॉक से निकलकर नए खरीद लेते हैं और वो टाइम रहते ये सब चीजें इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका काम यही है रिसर्च करना, खरीदना बेचना सब चीजें करना। और इसीलिए आपका जो पैसा है, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स के छत्रछाया में रहता है जो आपकी तरह इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते, जैसे कि आप स्टॉक SIP करने के बाद ले सकते हो, और ले सकते हो कहना गलत होगा, लेते हो, ये सही है। जी हाँ, वहाँ पर रिस्क हाई होता है क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक का सिलेक्शन आप खुद करते हो, आपको कब एक स्टॉक से निकलना है, दूसरे को पकड़ना है, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके साथ ही आपको कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है जो कई बार बहुत चैलेंजिंग साबित होता है। यही सब वजह है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टॉक इन्वेस्टर रिटर्न नहीं निकाल पाते। आपको कई वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जिसमें डाटा के साथ ही दिखाया गया होगा कि किस तरीके से अगर आप स्टॉक में SIP करते तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा, और सेम म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ऐसी कुछ वीडियोस हैं। लेकिन अगर उन्हीं वीडियोस में उनके द्वारा दिखाए गए जो स्टॉक्स हैं, जो एग्जांपल्स उन्होंने लिए हैं, उनमें अगर स्टॉक का सिलेक्शन अगर गलत हो जाए तो सारी की सारी कैलकुलेशन और सारे के सारे प्रॉफिट धरे के धरे रह जाएंगे। और यही चीज सेम म्यूचुअल फंड्स के लिए भी है। देखिए, पुराने डाटा के साथ खेलना और उसके द्वारा प्रॉफिट दिखाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि यहाँ से कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक 100x 1000x होगा और कौन सा म्यूचुअल फंड आपको बहुत टॉप लेवल का रिटर्न लाके देगा, ये किसी को नहीं पता है। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है, वो चाहे म्यूचुअल फंड में हो या फिर स्टॉक्स में। और एक आम इन्वेस्टर का नजरिया मैं आपको बता दूं कि अगर वो स्टॉक्स खरीदने चला जाए ना ब्लू चिप के, तो उसको वो स्टॉक्स लगेंगे बहुत महंगे, और अगर फिर भी उसने बहुत दिमाग लगा के रिसर्च करके कोई स्टॉक पिक कर भी लिया ना, तो क्या गारंटी है कि वो अगला यस बैंक जैसा कोई स्टॉक नहीं पिक कर लेगा। ऐसा करते ही उस
स्टॉक एसआईपी से रिटर्न जनरेट करना तो दूर, अपना कैपिटल बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ही एक आम इन्वेस्टर को एक सही जानकारी के साथ और संयम के साथ अपनी निवेश की जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए कि उसको क्या चुनना है और कैसे चुनना है। मेरा नाम है अमित ढोंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।